1997 में आई एक मूवी जिसका नाम था परदेश। उस परदेश मूवी में आपने एक बेहद अच्छा गाना सुना होगा, जिस गाने के बोल हैं, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यूनान मिश्र रोम सब मिट गए जहाँ से, मगर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत भूमि में ऐसा क्या है कि बाकी दुनिया के देश तो ख़त्म हो गए लेकिन भारत भूमि कभी ख़त्म नहीं हो सकी। बहुत से लोगों के प्रयास रहे लेकिन प्रयासों में सफल हुआ तो भारत, रहा तो भारत। और इस समय एक महामारी का रूप लेती कोरोना वायरस निकला चीन से, लेकिन सूचना ये है पूरे देश के लिए और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भारत बचेगा क्या। उसके कुछ बिंदुओं पे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि भारत बचेगा तो क्यों बचेगा। आखिर क्या है ऐसे भारत में कि भारत कोरोना वायरस से जंग जीतेगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ जंग जीतेगा। उन खास बातों की, विषयों की मैं बात करने वाला हूँ। सभी लोग को पता है कि भारत भूमि अवतारों की भूमि है। पूरे विश्व में भारत जैसी भूमि कहीं नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे दुनिया में दूसरा हिंदुस्तान नहीं है, जी हाँ, भारत जैसी भूमि पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अवतार हुए हैं, जहाँ भगवान ने अवतार लिए हैं, ईश्वर ने अवतार लिए हैं। इसीलिए इस धरती को अवतारों की धरती कहते हैं। इन सभी देवी देवताओं ने अपने शास्त्रों पुराणों में एक बात जरूर कही है, कर्म, कि कर्म करो। और कर्म में एक साफ तौर पर कहा गया है कि आपकी खुद की जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। हम सभी जब भी हम किसी पुराण की बात करते हैं, आप आज के समय में दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर आप दोबारा रामायण देख रहे हैं, रामायण में एक चीज़ आपको हमेशा नज़र आ रही होगी, या रामायण में एक प्रमुख विषय पर जो चर्चा किया जा रहा होगा या किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कर्म करें। सभी शास्त्रों में कर्म की बात कही गई है। अभी हमारा कर्म सिर्फ यही अलाउ करता है कि हम अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहकर हम अपने देश की सेवा करें। देश की और राष्ट्र की बात करता है रामायण। अगर आपने रामायण दूरदर्शन पर आज के समय में रामायण आप देख रहे हैं, और रामायण में एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हमेशा उत्तरदायी होना चाहिए आपको, हमेशा आपके लिए, चूंकि आप समाज से सीखते हैं तो समाज के प्रति आपका ऋण है कि आप समाज को कोई कष्ट ना दें। तो मुझे यहाँ तक यकीन है कि भारत भूमि में, भारत में पैदा हुए या भारत मिट्टी में पैदा हुए उन सभी लोगों के मन में एक बात तो जरूर होगी कि भारत है, और भारत से हमने जो समाज से जो सीखा है, समाज से जो हमने लिया है, समाज को देने का वक्त है इस समय। सभी लोग समाज को दे रहे हैं, और देने के फॉर्म में क्या दे रहे हैं पता आपको? देने के विषय में दे रहे हैं अपना समय। वो अपने घरों में हैं, घरों में रह करके पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरा विश्व, यहाँ तक कि महाशक्ति कहलाया जाने वाला अमेरिका भी इस बात की तारीफ कर रहा है कि किस तरीके से भारत ने कोरोना को अभी तक इतने बड़े लेवल पे कंट्रोल किया हुआ है। और साथ में डेंसिटी, घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। घनत्व का मतलब आपको मैं समझा दूं, जैसे छोटा जगह है, उस छोटे जगह में लोगों की तादाद ज़्यादा है। जब लोगों की तादाद ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही कम कम दूरी पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उसकी डेंसिटी हम कहते हैं। यानी कि जो मास डेंसिटी है वो भारत की बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई भी बीमारी सर्कुलेट होगी तो बहुत ही फास्ट सर्कुलेट होगी। लेकिन मैंने कहा कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग के अंदर एक बात है, वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि पूरा विश्व हमारे लिए एक परिवार है। जिस भारत भूमि में, जिस भारत में, जिन लोगों को
वसुदेव कुटुंबकम पढ़ाया गया हो, वो जाहिर सी बात है सभी मिलकर के इस बीमारी से लड़ेंगे और बचाएंगे अपने देश को। देश को बचाने के लिए इस बीमारी से लड़ेंगे, एक साथ मिल करके लड़ेंगे और अच्छे विचारों के साथ लड़ेंगे। एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता का मतलब ये था कि वो सभी जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे भारत की जनसंख्या थी, वो सभी किसी देवी देवताओं से कम नहीं थे, क्योंकि उनके विचार भारत के लिए थे, उनके विचार अपने देश के लिए थे, उनके विचार अपने समाज के लिए थे, उनका जो विचार था अपने परिवार के लिए था, यानी कि हमेशा वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी थे, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार व्यक्तित्व थे। तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्तियों को देवता ही कहा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में देवताओं को पूजा जाता है, देवताओं को माना जाता है। उसके साथ साथ अगर आप एक प्रमुख अवतार की अगर मैं बात करूं राम की, तो राम के जीवन से अगर आपको सीखना है तो तप, क्योंकि हमने राम की धरती पर अवतार लिया है, हम उनसे तप सीखते हैं, तपस्या, हम उनसे धैर्य सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं त्याग। और आज के समय में हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर भारत के 135 करोड़ लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपने बहुत सारे निजी स्वार्थ को त्याग करके, खुद के निजी स्वार्थ हैं, खुद के कुछ काम हैं, उन सभी काम को त्याग करके घरों में बैठे हैं ताकि यह देश रहे, ताकि यह भारत रहे। और हमें पता है कि भारत कल था, आज है और कल भी रहेगा। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हमें हमारी इस भूमि में, कहते हैं ना कि जब आप किसी जगह पे तप करो तो उस जगह पर तप की एनर्जी रहती है। महर्षि अरविंद का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। महर्षि अरविंद एक जेल में बंद थे, जाहिर सी बात है जब स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय एक जेल में बंद थे, जिस कमरे में वो बंद थे उस कमरे में स्वभावतः जो इंसान जैसा दैनिक जीवन अपना यापन करता है वैसी दैनिक क्रियाएं करता है, तो उन्होंने बहुत ही तप किया था। अब कुछ समय बाद किसी कैदी को उसी जेल में, उसी कारागार में, उसी कोठरी में डाल दिया गया। उस कोठरी में जाते ही वो अंतर्ध्यान हो जाता था, समाधि में चला जाता था। जब वहाँ रिसर्च किया गया तो पता चला कि इस जगह पर महर्षि अरविंद ने तपस्या किया था, तो वो तपस्थली बन गई। तो मैंने कहा कि भारत भूमि में अवतार लेने वाले बहुत से अवतार महापुरुष ने इस भारत भूमि में तपस्या किया है, तो जाहिर सी बात है वो तपस्या, वो तप, वो एनर्जी आज भी हमारे पास है, जीवित है। और मैंने फिर से कहा इन सभी बातों का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घरों में बैठने की बजाय आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बात साफ तौर पर कही है कि पूरा विश्व नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं भी कर्म के अधीन हूँ, मैं चाहता तो ये जंग जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुदर्शन चक्र से जीत सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कर्म करना है क्योंकि मैं भी कर्म के अधीन हूँ। तो कर्म के अधीन ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके हम सिर्फ अंधविश्वास पर टिक जाएं। अंधविश्वास वो होता है जहाँ पर कर्म जीरो हो जाता है। जहाँ भी कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है तो आप अंधविश्वास में जा रहे हैं, आपको कर्म करना पड़ेगा। और हमारी भारत भूमि, हमारा संस्कृति, हमारे संस्कृति में पुनर्जन्म और आगे आने वाले कई जन्मों के लिए हम पुण्य करते हैं, हम कई जन्मों के लिए काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें कर्म सिखाया जाता है। हमें हिंदू धर्म में एक चीज़ सिखाई गई है कि हम सनातन धर्म में हमने सीखा है कि हमने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भी हमें मिलता है, हमें प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध अच्छा या बुरा, अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे, और आगे आने वाले समय में भी हमें अपने कर्मों पर ही आधारित जीवन शैली जीनी पड़ेगी। बाकी सारे देश, पश्चिमी देश खास तौर पर, वह विश्वास पुनर्जन्म पे करते नहीं हैं और वह कोशिश करते हैं कि जो ये जीवन मिला है वो अभी का जीवन है, इसके बाद के जीवन की भविष्यवाणी या इसके बाद के जीवन की वो पटकथा वो लिखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। वो इसीलिए गलत या सही, यही रीज़न है कि आप जो चाइना में वेट मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मीट, मच्छी, किसी भी जानवर को खाने का काम करते थे, और ये बताया जा रहा है कि यह वायरस भी जानवरों से ही निकला। सोच करके देखिए, हमारे देश में जानवरों तक की पूजा की जाती है, हमारे देश में कबूतरों को दाना डाला जाता है, हमारे देश में मछलियों को आटे की गोली खिलाई जाती है,
हमारे देश की परंपरा यही है, हमारे देश की संस्कृति यही है, हम उसी सभ्यता से हम ताल्लुकात रखते हैं, उसी सभ्यता में हम जीते हैं। एक और विषय मैं आपको बात करने वाला हूँ कि हमारी संस्कृति में यज्ञ परंपरा है थी, जिस यज्ञ परंपरा का पालन पहले के ऋषि मुनि किया करते थे। चूँकि आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने बीच में भ्रमित किया तो शायद यज्ञ परंपरा को हम हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिए, हमने एक तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू कर दिए, छोटे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। हमने सोचा कि जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है वो कुछ भी नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, बल्कि आज पूरा विश्व इसके पीछे पड़ा हुआ है कि हमें यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यज्ञ से हमारे वायुमंडल शुद्ध हो रहे हैं। ये पश्चिमी देश उस पर रिसर्च करके उसको अपना रहे हैं। स्पेन की अगर मैं बात करूं तो स्पेन में ओमकार का मंत्र जाप किया गया। सोचिए कि ये वही मंत्र जो हमारे भारत भूमि से निकले हुए महापुरुषों ने मंत्रोच्चारण करके पूरे देश को सुधारने के लिए कहा, पूरे देश को वातावरण को शुद्ध करने के लिए कहा, वही मंत्र का उच्चारण आज स्पेन अपना रहा है। आज पश्चिमी देश के तमाम लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। मैंने कहा कि प्रणाम, लेकिन वो लोग हैंडशेक करते थे। हैंडशेक को जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया तो हमने हैंडशेक करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबलाइज हो रहे थे। हम अपने आप को ग्लोबलाइज करने के चक्कर में हमने पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी काम को पूरा अपना लिया, जिससे हमारे जीवन शैली में एक भयंकर बदलाव हुआ, जिसका हमें इम्यून पावर पे हमें असर पड़ा। मैंने कहा कि ये पूरी बीमारी या पूरे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये इम्यून पावर पे, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि ये बीमारी आपको अटैक करेगी कि नहीं करेगी। अगर अटैक करेगी तो आप उस बीमारी से रिकवर हो जाएंगे। तो यही एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत भूमि या भारत के लोग बचेंगे। यहाँ पर एक खास बात जो मैंने कही थी कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी को साथ लेकर के चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश बचेगा। एक बहुत ही खास चीज, हमने ग्लोबलाइज के समय में हल्दी को टर्मरिक बोल करके हल्दी हटा दिया, टर्मरिक यूज करना शुरू कर दिया। वो टर्मरिक क्या है भाई? हल्दी है, तांबे के लोटे का पानी पीजिए। ये बात आज वो कह रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं। मुझे पता है कि आप घरों में रहने वाले जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी हल्दी खाते होंगे, आप टर्मरिक हल्दी खाते होंगे, तांबे के लोटे में पानी पीते होंगे, क्योंकि आपके परिवार में आपके बड़ों ने, आपके बुजुर्गों ने ये बात सिखाई होगी और आप भी उस अनुशासन का पालन कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। और उसके साथ साथ चूंकि हमारी मनस्थिति तपस्थली वाली है, हमारी मनस्थिति तप वाली है, हमारी मनस्थिति बहुत ही मजबूत है, तो एक अगर आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से बात करें तो वो एक बात ज़रूर कहता है कि आप अपने मन में जैसे विचारों को उत्पन्न करते हैं, और विचार जो पैदा होते हैं आपके अपने भोजन से पैदा होते हैं, अपने खान पान से पैदा होते हैं, तो हमारी संस्कृति में भोजन खान पान सात्विक है, हमारे विचार उतने ही मजबूत होंगे। और हमारे विचार जो मजबूत हो रहे हैं, यकीन मानिए कि हमारा जीवन बहुत बेहतर होने वाला है। हमारे विचारों की जो तरंगे निकलती हैं, ये तरंगे वातावरण को बेहतर बनाती हैं, ये तरंगे हमारे शरीर को बेहतर बनाती हैं, हमारे मन मस्तिष्क को बेहतर बनाती हैं, बेहतर का मतलब मजबूत बनाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। और जब आप वो तरंगे, नेगेटिव तरंगे नहीं छोड़ते हैं, पॉजिटिव तरंगे छोड़ते हैं, तो आपको बीमारी छूने से डरती है, क्योंकि आप बीमारी को भगा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा, आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास कोई पेड़ होगा, आप उस पेड़ पर जाके खेलते हैं, घूमते हैं, सब कुछ होता है, आपको कोई डर नहीं लगता है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति आपसे कह दे कि उस पेड़ के नीचे भूत रहता है, उस पेड़ के नीचे कोई प्रेतात्मा रहती है, तो उस दिन से आपके मन में डर बैठ जाएगा और आप वहाँ पर जाने से डरेंगे, रात में नहीं दिन में भी। ये डर आया कहाँ से? ये डर के वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। सोचिए कि ये डर, ये मनस्थिति का सही होना कितना ज़रूरी है। यदि आपका मनस्थिति सही होगा तो आप कोरोना जैसी ही नहीं और भी भयंकर बीमारियों से लड़ पाएंगे। और मनस्थिति के लिए यौगिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। यौगिक जीवन शैली का मतलब, हम जब योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे हमारे इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस बीमारी में एक बहुत ही बार बार बात कही जा रही है कि यह हमारे लंग्स पर इफ़ेक्ट डालता है, हमारे वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ही रोक रहा है, तभी हम वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं।
प्राणायाम यही तो करता है। प्राणायाम हमारे प्राणों के आयाम को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, यही काम प्राणायाम करता है। लेकिन हमने अपने प्राणायाम को अगर नहीं अपनाया तो नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। चूँकि ये भारत भूमि है तो भारत भूमि में हम हमेशा अपने देश को प्रायोरिटी देंगे, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और नया सीखने का सिर्फ यही कदम है कि आप अपने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अपनाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आप मजबूत हो जाएंगे और आपका इम्यून पावर बढ़ जाएगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तुलसी एंटीबायोटिक होता है, सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक चीज़ हो गई, गिलोय आप एंटीबायोटिक होता है, तो इसकी हम पूजा भी करते हैं, साथ में काढ़ा बना करके आपके घरों में आपकी माता जी ने आपको पिलाया होगा और आप पीते हैं। जब आप पीते हैं तो आप जाहिर सी बात है जो टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, आपकी बॉडी को रिफाइन करता है, आपकी बॉडी को शुद्ध करता है, आपके शरीर को शुद्ध करता है, तो आप हमेशा स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो विश्वास का है, भरोसे का है, पूरे 135 करोड़ जनता को मोदी पर भरोसा है। ये बात सिर्फ राज्य धर्म की नहीं है, ये राजनीति की नहीं है, बात विश्वास की है, बात आस्था की है। जितने लोगों ने वोट किया है वो भी, और जिन्होंने वोट नहीं किया है मुझे लगता है उनमें से भी कुछ लोगों का ये विश्वास है कि मोदी वास्तव में हमें सही समय पर सही डिसीजन लेकर के बचा लेंगे। बहुत से लोगों को मैंने मोदी की आरती उतारते हुए देखा है, यानी कि बहुत से लोग शायद अवतार मानते हैं। कई लोगों से बात होती है, कई लोग ये कहते हैं कि मोदी भी किसी अवतार से कम नहीं है जो कि भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, और मोदी हैं तो हम बच जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोदी किसी अवतार से कम नहीं है और मोदी के ऊपर ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब, फिर से मैं ये कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। आप अपने घरों में रहेंगे, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। डॉक्टर ने जो बात कही है, डॉक्टर ने कहा आपको घर में रहना है तो आप घर में रहिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जब आप उसके इलाज के लिए जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर दीजिए। तो आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होता है, यदि आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती चली जाती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर बाद में आप इंसुलिन से ज़िंदा रहते हैं। ठीक वैसी स्थिति होती है। तो गलती किसकी है, गलती डॉक्टर की है या पेशेंट की? तो यकीन मानिए पेशेंट की गलती है, डॉक्टर की गलती नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने तो आपको चेत दिया है, आपको पहले बता दिया है कि आप कृपया करके ऐसे ऐसे नियमों का पालन कीजिए। मोदी ने अगर एक बात कही है कि आप कहीं भी एकत्रित ना हुएं तो आप बिल्कुल ना हुएं, आप अपने घरों में रहें, अपने राजा पे आपको विश्वास करना है। और ये प्रजा, हमारा हिंदुस्तान ऐसा रहा है कि राजा विश्वास किया है, जब राजा पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए सोच रहा होता है तो यकीन मानिए अगर हम सब ने साथ दिया तो भारत, जिस भारत की मैं बात कर रहा था कि बहुत सदियों से हमारा भारत रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि इस देश में बात थी, क्योंकि यह देश विश्वगुरु था, और अगर हम सभी ने साथ दिया तो ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा। और भी बहुत सारी खूबियां हैं हमारे देश में जिस वजह से भारत बचेगा। उन सभी कारणों को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ऐसे कौन कौन से और भी विषय हैं जिसके कारण भारत बचेगा। जी हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप अपने विषय रखिए ताकि ये मैसेज पूरे लोगों को, भारत के सभी लोगों को सर्कुलेट होना चाहिए। सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर कोई विदेश में भी हमारा देश का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो भी उस चीज़ को देखेगा और हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को अपनाने की कोशिश करेगा, और अपनाएगा, कोशिश ही नहीं करेगा क्योंकि अब अपनाने का विषय आ चुका है पूरी तरीके से। और अपनाए भी क्यों ना, क्योंकि पूरा विश्व अपना रहा है, नमस्ते तो पूरा विश्व कर रहा है। ये एक उदाहरण है, ये एक समय है कि सभी, पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। आज टेलीविजन पर आने वाले सभी सीरियल खत्म हो गए हैं, देख रहे हैं, और चर्चा हो रही है तो रामायण की, चर्चा हो रही है तो महाभारत की, हमारे शास्त्र पुराणों की, उन शास्त्र पुराणों की जिससे हमने जीना सीखा है, जिससे हमने अपने जीवन में कुछ नया करना सीखा है, जिससे हमने तप की शक्ति ली है, जिससे हमने त्याग की शक्ति ली है। और वही समय आ गया जिसमें हमें तप, त्याग, संयम, सेवा सब हम सीख रहे हैं, और हम सीख करके इस भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएंगे। और उससे पहले आप लोग एक काम जरूर करेंगे कि आप इस कोरोना वायरस के समय में घरों में रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारी बातों के बाद आप घरों में रहने को क्यों कह रहे हैं, मैं तो बाहर भी घूम सकता हूँ। साहब, मैंने फिर से कहा
कि सभी चीज़ें कर्म पर आधारित हैं। गीता में कहा गया है कर्म ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग ये कहता है कि आप अपने कर्म करें, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप अपने घरों में हैं, मैं कर्म की फिर से बात करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो या तो वो कर्म कर रहा है या तो वो कर्म नहीं कर रहा। सोना भी एक क्रिया है, तो वो क्रिया आप कर रहे हैं। आप अपने घरों में हैं तो यू आर डूइंग समथिंग। अगर आपने मन से भी कुछ सोच रहे हैं वो भी एक क्रिया है। अगर आप कहेंगे कि मन से किया गया काम क्रिया नहीं है तो सर्विस सेक्टर ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ पर लोग क्रिएटिविटी का पैसा लेते हैं, जहाँ पर लोग सोचने का पैसा लेते हैं, जहाँ पर लोग कुछ बातों का पैसा लेते हैं, तो यकीन मानिए ये सोचना भी एक क्रिया है। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ हैं, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है इस समय। जरूरी यही है कि आप भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कारों को अपना करके अपने जीवन शैली को सुधार करके यकीन मानिए कोरोना तो भाग जाएगा, लेकिन घरों में रहिए। भक्ति योग हमें दिया गया कि आप भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। भक्ति करने का मतलब घरों में भक्ति कीजिए, मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने तो ये भी पढ़ा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमने ये भी पढ़ा है पक्की पत्थर में जहाँ हम पूजते हैं वहाँ भगवान हो जाते हैं, आस्था हमारी इतनी मजबूत है। यही तो भक्ति योग है, यही भक्ति योग है कि जब मीरा ने एक मूर्ति में प्राण डाल दिए थे अपने भक्ति से, ये भक्ति योग है। और ज्ञान ये है जो हम आपको बता रहे हैं, उस ज्ञान को लीजिए। और लेने के बाद ज्ञान यही कहता है कि जो विषय आपके अनुरूप नहीं है उस पर आप मत जाइए। तो ज्ञान आज के समय में यही है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें ताकि आप देश की सेवा कर सकें, आप विश्व की सेवा कर सकें। तो ये बहुत अच्छा समय है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का पालन करने का। और ये पालन सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, कुछ समय बाद पूरे विश्व को ये पालन करना पड़ेगा। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ जाते जाते एक बात कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक शेयर तो करेंगे ही, साथ में अपने वो थॉट्स ज़रूर डालेंगे जिस वजह से भारत बचेगा। आपका यदि लेख और भी अच्छा हुआ तो हम इसे अपने चैनल पर प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अब आप हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम आपको दूसरी बार कोई और विषय लेकर के आपके साथ बैठ सकें। एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। उसके साथ साथ अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को सभी का धन्यवाद। घर में स्वस्थ रहें और घरों में रहें, बाहर न निकलें। नमस्ते, प्रणाम।